हेलो फ्रेंड्स, बेसिक कॉन्सेप्ट में सब लोग का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे WBPSC जूनियर इंजीनियर का 2016 का जो एग्ज़ाम है इलेक्ट्रिकल का, तो उसको लेकर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो लोग मेरा नोट्स लिए वो लोग देख लीजिए, नोट्स खोल के जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन भी मैं दे दूँगा। ठीक है, ये एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, तो इसका 3-4 वीडियो मेरा लगेगा बनाने के लिए। और ये माउस से मैं लिख नहीं पाता हूँ, मतलब राइट नहीं कर पाता हूँ इसमें, इसीलिए मैं जो इसका आंसर शीट है विथ सॉल्यूशन वो मैं PDF फॉर्मेट करके जो डिस्क्रिप्शन है, लास्ट वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिलेगा उसमें मेरा मैं लिंक भेज दूँगा, तो सब लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन जो लोग मेरे पास नोट्स लिए हो PSC का पैकेज लिए, वो लोग के पास तो ऑलरेडी PDF फॉर्मेट होगा। ठीक है, और जो लोग मेरा नोट्स नहीं लिए हो वो लोग को तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग नोट्स खरीदा है वो लोग को थोड़ा तो एडवांस मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए वो लोग को क्या करना है, मेरा वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए या कॉपी कर लीजिए, या तो फोटो खींच लीजिए या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, कुछ भी कर लीजिए, तो थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो देखिए क्वेश्चन दिख रहा है 2016 का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, 2 घंटे 200 मार्क का। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे और देखने का कुछ है नहीं। देखिए 2/3 करके नेगेटिव मार्किंग है, 2/3 मतलब हर क्वेश्चन 2 मार्क करके, इसलिए 2/3 नेगेटिव मार्किंग है। ओके, और 100 क्वेश्चन करना है, और जो है नॉर्मली बात जो हर एग्ज़ाम में लिखा रहता है, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, फ़ोन अलाउ नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, तो एक मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर दे दिया, उसका रेंज बढ़ाना है। रेंज बढ़ाने के लिए सीरीज में एक रेजिस्टर लगाना है, तो कौन सा रेजिस्टर लगाना है, कितना रेजिस्टर लगाना है, उसका प्रॉब्लम करने के लिए दिया है। तो इसका देखिए मेरा जो लोग नोट्स लिए उन लोगों को नोट्स में मिल जाएगा, आर सीरीज इक्वल टू आर एम इंटू एम माइनस वन। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट दिया नहीं है, देखिए वोल्ट दिया हुआ है, मतलब मैक्सिमम वोल्ट ये मेजर करने के लिए कितना रेजिस्टर लगाना है। मिनिमम वोल्ट यहाँ पे दिया नहीं है। ठीक है, तो मिनिमम वोल्ट निकालने के लिए देखिए रेजिस्टेंस है आपके पास, एम्पियर भी है, तो वी इक्वल टू आई इंटू आर, इस फॉर्मूला में निकाल लीजिए। निकालेंगे तो वोल्ट भी मिल जाएगा और मैक्सिमम वोल्ट मिल जाएगा, और रेजिस्टेंस भी दिया हुआ, तो इस फॉर्मूला से हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा सी, 1995 ओम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोल रहा है कि रेक्टिफायर मूविंग कॉल इंस्ट्रूमेंट कौन सा वैल्यू मेजर करता है। देखिए रेक्टिफायर मूविंग कॉल जो इंस्ट्रूमेंट है हमेशा RMS वैल्यू मेजर करता है, तो इसलिए 2 का आंसर भी सी हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए 2 स्फीयर दे दिया, उस एक का रेडियस R1, एक का रेडियस R2 है, और R2 R1 से बड़ा है, और दोनों का चार्ज दे दिया है सेम है, क्यू है, तो यहाँ इसका पोटेंशियल का जो रिलेशन मंगाया, देखिए चार में से पोटेंशियल का रिलेशन, तो हमेशा देखिए चार्ज इक्वल है, रेडियस अलग अलग है, लेकिन कनेक्टिंग है, तो यहाँ इसमें पोटेंशियल क्या होगा, दोनों में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वल पोटेंशियल होगा, तो 3 का आंसर डी। 4 में देखिए दिया हुआ है एक सिंगल क्रिस्टल इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर मतलब उसमें कोई डोपिंग नहीं है बाहर से, प्योर कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है। ठीक है, तो प्योर सेमीकंडक्टर का फार्मी लेवल में हमेशा फ्री कैरियर इलेक्ट्रॉन 0 होता है, मतलब नहीं होता है बिल्कुल। ठीक है, तो उस हिसाब से 4 का जो आंसर है डी होगा, 0। 5 का देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लोड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल दिया हुआ है। ठीक है, लो पावर फैक्टर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो यहाँ पे देखिए इन कंडेंसर लैम्प जो है ये रेजिस्टिव लोड ऑनली है। ठीक है, रेजिस्टिव है, तो इसका पावर फैक्टर हमेशा 1 होता है, तो ये पावर फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बाकी जो दिया होता है आर्क लैम्प, फ्लोरोसेंट लैम्प और इंडक्शन मोटर जो है, ये सब क्या होता है, इंडक्टिव लोड होता है। ठीक है, इसमें लैगिंग पावर फैक्टर चलता है हमेशा, तो इसीलिए ये पावर फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इनकंडेंसर लैम्प जो है ये ओनली रेजिस्टिव है, तो इसीलिए 5 का आंसर जो हो रहा है बी हो रहा है। 6 का देख लेते हैं। देखिए स्वाम्पिंग रेजिस्टेंस इज यूज टू कॉम्पनसेट। स्वाम्पिंग रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट में यूज होता है, और ये यूज होता है टेम्परेचर वेरिएशन को कॉम्पनसेट करने के लिए। ठीक है, टेम्परेचर वेरिएशन के लिए जो मेटल में जो कॉम्प्रेशन होता है, एक्सपांसन होता है मेटल का, ठीक है, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए ये स्वाम्पिंग रेजिस्टेंस यूज होता है। ठीक है, तो 6 का आंसर जो हो रहा है बी हो रहा है, टेम्परेचर वेरिएशन। ठीक है, 7 का देखिए, सांट कंडक्टेंस पावर ट्रांसफर लाइन में क्यों यूज होता है सांट कंडक्टेंस, तो ये हमेशा यूज होता है लीकेज ओवर द कंडक्टर, कंडक्टर के ऊपर लीकेज जो होता है, ठीक है, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए सांट कंडक्टेंस यूज करते हैं, तो 7 का आंसर जो सी हो रहा है। 8 का देखिए, 2 पैरेलल कंडक्टर दे दिया, दोनों में 100 एम्पियर करके कैरी कर रहा है, और दोनों का डिफरेंस दे दिया 20 mm,
तो फोर्स पर मीटर एफ बाई एल, तो इसका जो फॉर्मूला लगेगा ठीक है, एफ बाई एल इक्वल म्यू जीरो बाई टू पाई इंटू आई वन आई टू डिवाइडेड बाई डी। तो यहाँ पे देखिए सबका फॉर्मूला मतलब सबका वैल्यू दिया हुआ है, आई वन आई टू दोनों हंड्रेड हंड्रेड करके होगा और डी जो है 20 mm है, इसको मीटर कर लीजिए इंटू 10^-3 देके, और इसका जो आंसर आएगा 0.01 आएगा। इसको भी आंसर सेट में मैं करके दे दिया हूँ ठीक है, 8 का आंसर जो है ए। नेक्स्ट देखिए, इन ए थ्री फेज हाफ वेव रेक्टिफायर फेज वोल्टेज दे दिया 200 वोल्ट, तो पी आई वी ईच डायोड के लिए पी आई वी वैल्यू निकालेंगे, पी आई वी मतलब पीक इन्वर्स वोल्टेज ठीक है, पीक इन्वर्स वोल्टेज निकालने के लिए बोला है। तो इसको सीधा आप क्या करना, 200 × √3 कर दीजिए सीधा, तो इसमें आंसर हो जाएगा 246 वोल्ट। 9 का आंसर बी। 10 का देखिए, एक मूविंग आयरन वोल्ट मीटर दे दिया जिसका एक्यूरेसी क्लास बता दिया 0.10 ठीक है, जो मेजर कर रहा है 75 वोल्ट ठीक है। देखिए एक्यूरेसी क्लास 1.0 इसका मतलब होता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन में इसका जो एरर होगा 1 यूनिट होगा ठीक है, तो उस हिसाब से इसको कर लीजिए तो एरर हो जाएगा देखिए 150 - 75 डिवाइडेड बाई 150 × 1 × 100 तो इक्वल टू होगा 50%, तो इस यहाँ पे देख लीजिए 0.5 होगा आंसर ठीक है, 10 का ए। इसको भी मैं आंसर करके दे दिया हूँ, देख लीजिएगा आंसर साइड में। नेक्स्ट 11 पे है देखिए, ए डायोड हैविंग ब्रेकडाउन वोल्टेज ग्रेटर देन 5 वोल्ट और प्लस पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ठीक है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है और 5 वोल्ट से ज़्यादा है ठीक है, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज देखिए 5 वोल्ट से ज़्यादा है मतलब वो हो जाएगा एवेलेंस डायोड ठीक है, एवेलेंस डायोड एवेलेंस ब्रेकडाउन बोलते हैं, 6 वोल्ट से ज़्यादा होगा तो एवेलेंस ब्रेकडाउन बोलते हैं और 5 वोल्ट से ज़्यादा होगा तो उसको एवेलेंस डायोड बोलते हैं ठीक है, और कम होगा तो उसको जेनर डायोड बोलते हैं। यही जेनर डायोड और एवेलेंस डायोड का यही डिफरेंस है ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा बी 11 का एवेलेंस डायोड। 12 का देख लीजिए, द बैंडविड्थ ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर, देखिए फीडबैक एम्पलीफायर के साथ जो गेन होता है ठीक है, फीडबैक एम्पलीफायर और गेन का दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमेशा ओके, तो उस हिसाब से गेन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/ बैंडविड्थ ठीक है, तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा ये आंसर होगा बी, इंक्रीज बाय सेम अमाउंट ऑफ द गेन डिक्रीज, गेन डिक्रीज होगा तो मेरा फीडबैक एम्पलीफायर का जो बैंडविड्थ है वो इंक्रीज होगा ठीक है। 12 का बी। 13 का देखिए, एक PMMC इंस्ट्रूमेंट दे दिया और एक मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, दोनों को सीरीज में लगा दिया है ठीक है, तो मूविंग आयरन टाइप जो रीड कर रहा है 5 एम्पियर रीड कर रहा है और यहाँ पे जो वोल्टेज और दिया है हाफ वेव रेक्टिफायर दिया है ठीक है, ये याद रखना, और PMMC इंस्ट्रूमेंट कितना रीड करेगा ये है, तो दोनों देखिए दोनों अगर सीरीज में लगा रहेगा तो दोनों में सेम करंट फ्लो करेगा, लेकिन बात ये है जो MI इंस्ट्रूमेंट है वो हमेशा RMS वैल्यू मेजर करता है और जो PMMC इंस्ट्रूमेंट है वो एवरेज वैल्यू मेजर करता है ठीक है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जो फॉर्म फैक्टर है वो होता है 1.57 होता है ठीक है, तो यहाँ पे आप एवरेज वैल्यू निकाल लीजिए, आई एवरेज वैल्यू का तो RMS डिवाइडेड बाई फॉर्म फैक्टर 5/1.57, तो इसका आंसर आ जाएगा 3.18 एम्पियर ठीक है। इसको भी मैं सॉल्यूशन में करके दे दिया हूँ, तो 13 का सी। 14 का देखिए, एक कैस्केडेड RC कपलिंग एम्पलीफायर दे दिया है ठीक है, तो ये बता दिया कि ओवरऑल गेन बता दिया है, पहले गेन आपको इसको क्या करना है, पहले फर्स्ट स्टेज गेन निकालना है, फर्स्ट स्टेज गेन को काम में लगा के फिर सेकंड स्टेज गेन निकालना है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है गेन इक्वल टू 20 log प्रीवियस गेन, ऐसा होता है ठीक है, तो 20 log AM गेन को अगर AM पकड़ लेंगे तो 20 log AM हो जाएगा, और AM का मतलब ये होता है, गेन मतलब ये होता है V आउटपुट डिवाइडेड बाई V इनपुट ठीक है, तो इसका भी फॉर्मूला पूरा दे के मैं सॉल्यूशन पेपर पे करके दे दिया हूँ, तो वहाँ पे देख लीजिएगा, इसका आंसर होगा 14 का D 20 log 20 dV। 15 का देखिए, 15 का एक व्हीटस्टोन ब्रिज दे दिया है और व्हीटस्टोन ब्रिज का यहाँ पे सेंसिटिविटी निकालने के लिए बोला है ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या मुझे फॉर्मूला मिल क्या क्या डेटा मिला है देखिए, 6 ओम चेंज करेंगे तो इसका जो डिफ्लेक्शन होगा 3 mm चेंज होगा ठीक है, तो सेंसिटिविटी का फॉर्मूला जो होता है चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट ठीक है, तो 3/6 कर दीजिए सीधी साधा, क्योंकि यहाँ पे कोई जो यूनिट होता है यहाँ पे कोई स्पेशल यूनिट भी नहीं बता दिया है ठीक है, तो सीधा आप क्या करना है
थ्री डिवाइडेड बाई सिक्स कर दीजिए तो यहाँ पर 0.5 फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो 15 का होगा सी आंसर, ठीक है। फिर 16 का देखते हैं, मैं जल्दी इसीलिए बता रहा हूँ कि मेरा जो सॉफ्टवेयर है और लैपटॉप में वो ज़्यादा बड़ा वीडियो एडिटिंग नहीं कर पाते, ठीक है, तो इसीलिए जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। 16 का देख लीजिए, द इफेक्ट ऑफ पावर फैक्टर एंड फ्रीक्वेंसी वेरिएशन वाट मीटर कैन बी रिड्यूस्ड इफ, तो यहाँ पे देखिए वाट मीटर में पावर फैक्टर और फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन करेंगे, ठीक है, तो सॉरी पावर फैक्टर और फ्रीक्वेंसी दोनों को रिड्यूस करेंगे, दोनों को कम करेंगे, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा उसमें से, ठीक है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज का रेजिस्टेंस जो है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। पावर फैक्टर और फ्रीक्वेंसी दोनों को अगर कम कर देंगे तो वोल्टेज का रेजिस्टेंस क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो 16 का आंसर हो रहा है डी। 17 का देखिए यहाँ पे सिंपल सा दिया हुआ है, ठीक है, दो सीरीज इंडक्टेंस है लगा दिया है और वन को अपोज कर रहा है, अपोज कर रहा है मतलब माइनस आएगा लास्ट में, एल वन प्लस एल टू माइनस टू एम, 17 का डी। 18 का देखिए इन्हें माइक्रोप्रोसेसर, तो माइक्रोप्रोसेसर से आ गया है क्वेश्चन, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू नेक्स्ट एग्जीक्यूटेड इज सॉर्टेड इन, तो देखिए एक टेम्पोरारी मेमोरी हिसाब से जो यूज होता है वो होता है प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, मतलब जब तक जो नेक्स्ट लोकेशन में नहीं जा रहा है पॉइंटर तब तक वो क्या करता है, प्रोग्राम काउंटर जो है उसमें मेमोरी स्टोर होकर रहता है, ठीक है। तो इसलिए 18 का आंसर जो है सी, प्रोग्राम काउंटर। 19 का देखिए कोरोना लॉस इंक्रीजेज व्हेन द डेंसिटी ऑफ एयर, देखिए एयर डेंसिटी फैक्टर के साथ कोरोना लॉस का जो रिलेशन होता है हमेशा होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। कोरोना लॉस का जो जो फॉर्मूला है वहाँ पे देख लीजिएगा, एयर डेंसिटी फैक्टर डेल्टा के साथ कोरोना लॉस का जो रिलेशन होता है वो हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो उस हिसाब से कोरोना लॉस इंक्रीज कर रहा है मतलब एयर डेंसिटी फैक्टर डिक्रीज करेगा, तो डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीज होगा, ठीक है। बी, 19 का बी। 20 का देखिए लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए कौन सा रिले यूज होता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए हमेशा मोर रिले यूज होता है और मीडियम ट्रांसमिशन के लिए हमेशा इम्पीडेंस रिले और शॉर्ट ट्रांसमिशन के लिए रिएक्टेंस रिले, ठीक है, ये याद रखना है हमेशा। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए 21 इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर इज मोर देन, तो इसमें समझने का कुछ नहीं है, डेटा है आपको याद रखना है, ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, तो हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर के लिए इंसुलेशन रेजिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, 500 मेगा ओम, ठीक है। 21 का आंसर है 500 मेगा ओम। 22 देखिए एवरेज ईएमएफ दे दिया 10 वोल्ट और टर्न दे दिया 100, चेंज इन फ्लक्स ओकर इन 0.5 सेकेंड, द टोटल फ्लक्स निकालने के लिए यहाँ पे बोला गया, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे फैराडेज लॉ लगा दीजिए हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। E इक्वल टू एन डी फाई डी टी, ठीक है, ऐसा करना है, तो यहाँ पे डी फाई निकालना है आपको, डी फाई इक्वल टू ई इंटू डी टी डिवाइडेड बाई एन हो जाएगा, तो 10 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा इक्वल टू 0.05 वेबर हो जाएगा, ठीक है। टोटल फ्लक्स चेंज करते 0.05 वेबर, तो आंसर वाइज का आंसर ए हो रहा है। इसको भी मैं सॉल्यूशन पेपर करके दे दूँ अच्छे से, देख लीजिए वहाँ पर, ठीक है। 23 डे को स्कॉट की वेरिया डाउट कहाँ यूज होता है, ठीक है, तो ये स्कॉट की वेरिया डाउट जो होता है मतलब पावर सप्लाई रेक्टिफायर के लिए हमेशा यूज होता है, ठीक है। तो 23 का आंसर सी हो रहा है, स्कॉट की वेरिया डाउट यूज एज पावर सप्लाई रेक्टिफायर। 24 देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 24 में बताया गया है कंडक्टर का लेंथ दे दिया है, ठीक है, और वो कंडक्टर सर्कुलर है, ठीक है, सॉरी सर्कुलर नहीं है, और कंडक्टर में क्या होता है 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो 90 डिग्री एंगल में, राइट एंगल में 90 डिग्री एंगल बता दिया है और 0.5 टेस्ला है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे कितना फोर्स एक्टिंग हो रहा है तो वो निकलना है, तो इसका जो फॉर्मूला है 24 का हमेशा बी आई एल साइन फाई, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, वी का वैल्यू दिया हुआ है 0.5 टेस्ला, आई मतलब करंट का दिया हुआ है 3 एम्पियर और लेंथ एल का दिया हुआ है 0.2 मीटर और साइन फाई बता दिया, फाई इक्वल टू यहाँ पे राइट एंगल बता 90 डिग्री बता दिया है, तो उस हिसाब से आप निकाल लीजिए यहाँ पे जो 24 का आंसर होगा वो होगा 0.3 न्यूटन, मतलब 24 का ए होगा, ठीक है, 0.3 न्यूटन ए। नेक्स्ट देखते हैं,
25 का, व्हेन द पावर ट्रांसमिटेड ओवर डिस्टेंस 300 किलोमीटर, तो 300 किलोमीटर के लिए कौन सा वोल्टेज रेंज सही है, यहाँ पे ये दिया हुआ है। ये भी कुछ समझने का नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे सिर्फ डेटा है, याद रखना है आपको जो 25 का जो क्वेश्चन है, तो 300 डिस्टेंस हो, 300 किलोमीटर डिस्टेंस होगा तो कौन सा यूज करना है, तो यहाँ पे है अप्रोप्रिएट होगा 132 किलोवोल्ट, ठीक है, 300 किलोमीटर के लिए 132 किलोवोल्ट, ठीक है। तो अभी तक इतना ही, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 26 से स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो को अगर आपको देखना है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और आप लोग देखते रहिए, और लास्ट पार्ट जो होगा इस सीरीज का, शायद 24 का क्वेश्चन करेंगे तो 4 पार्ट होगा, तो लास्ट पार्ट में मैं PDF फॉर्मेट का लिंक भेज दूंगा YouTube पे, ठीक है, सब लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, और जो लोग के पास क्वेश्चन है PDF फॉर्मेट वो लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा, जो लोग के पास क्वेश्चन नहीं है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो वीडियो को पॉज करके आप कॉपी कर लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद।